नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। आइए रुक करते हैं दोपहर की खबरों की ओर। समय हो चला है दोपहर की खबरों का। तो खबर लालसोट कस्बे से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एचआरडीपी परियोजना लालसोट के अंतर्गत किया गया, जिसमें परियोजना क्षेत्र में कुल 130 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का उत्साहवर्धन हेतु म्यूजिक चेयर, चम्मच रेस, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास हेतु HDFC बैंक के सहयोग से किए गए कार्यों की संक्षिप्त जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया व एमिट संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आंगनबाड़ी में महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वेद प्रकाश बेरवा के द्वारा महिला दिवस पर विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं को आयरन की गोलियाँ भी वितरित की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीका और अमेट ब्लॉक के आगरिया क्लस्टर में राजीका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रैली निकाली। रैली को CLF अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली क्लस्टर ऑफिस से मुख्य बाजार होते हुए सभा स्थल पर पहुंची। इस दौरान रैली को राजेश कुमार लोधा द्वारा संबोधित किया गया। वही कार्यक्रम में एरिया कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार ने महिला सशक्तिकरण की जानकारी देकर महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। कस्बे के टोडरमल PG महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र झुंझुनू व राजीव गांधी युवा विकास संस्थान कोर्ट और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर TN ओझा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट मोतीलाल सैनी ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता की थीम पर आयोजित किया गया है। साथ ही कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। वहीं डॉक्टर अशोक सैनी ने कहा कि एक महिला की परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। इस मौके पर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। जमुआ रामगढ़ के ग्राम पंचायत खवार नीची के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक कक्षा की मेघावी बालिकाओं का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजकुमार शर्मा ने कहा कि आज की बालिका कल की महिला है, इसलिए उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल में इस तरह प्रोत्साहित करके उसकी महिला शक्ति व सामर्थ्य का बोध करवाया जाए तो उसे स्वाभिमान के साथ मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं को फल व मिठाई वितरित की गई। नोहर के मूर्तिकार महावीर भारती द्वारा स्थापित पिंक सिटी जयपुर में भारतीय शिल्पकला स्टूडियो के डायरेक्टर व उत्तरी भारत की पहली मूर्तिकार महिला निर्मला कुलहरी कांस्य, एल्युमिनियम व फाइबर ग्लास में भव्य प्रतिमाओं का निर्माण अपनी टीम के साथ कर रही हैं। उनके इस अद्भुत शिल्पकार्य को लेकर गुड़गांव में शिव शक्ति फाउंडेशन तथा जयपुर में शुभ विचार संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान निर्मला ने बताया कि मेटल में मूर्ति निर्माण कार्य बहुत मेहनत रिक्स व चैलेंजिंग फील्ड है, जिसमें बहुत कम महिलाओं की भागीदारी रहती है, लेकिन यह उन्हें और भी मजबूती प्रदान करता है। बता दें, निर्मला कुलहरी अपने सहपाठी मूर्तिकार महावीर भारती व अपनी 25 लोगों की टीम के साथ महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास सहित कई राजनीतिक बड़ी हस्तियों की प्रतिमाएं बनाने का कार्य कर रही हैं, जो देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित की गई है। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय नोहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोदिया के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपकरण अधिकारी श्वेता कोचर व पूर्व पालिका अध्यक्ष शशि शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं नोहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित किया।
ग्राम किशनपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों का विदाई समारोह एवं वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच हरदेव सिंह देवनदार ने कहा कि बालिका दो घरों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य ओम प्रकाश जागावत ने कहा कि विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई कर परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज जो वार्षिक उत्सव मनाया गया, इसके होनहार कर्णधार तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो टोडासरा जी है, उनकी देन है कि हर विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव की योजना चालू की, जिसे जिसमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए जाने थे। जो विद्यालय में प्रोग्रेस कर रहे जो बच्चे थे, अच्छे अंक ला रहे थे, अन्य गतिविधियों में भाग ले रहे थे, उनको सर्टिफिकेट देना, मेडल वगैरह देना, ये सारे कार्य आज किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रालावास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला युवा अधिकारी राकेश कुमार आलोरिया रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पंच किरण देवी ने की। इस दौरान कार्यक्रम में चित्रकला, मांडना, प्रश्नोत्तरी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। साथ ही कार्यक्रम में महिला अधिकार, भूमिका, कर्तव्य सहित विभिन्न मुद्दों पर अशोक कुवाल द्वारा विशेष चर्चा की गई। चोमू कस्बे के वीर हनुमान मंदिर सड़क मार्ग स्थित बालाजी खेल स्टेडियम में युवाओं द्वारा स्टेडियम में पानी की आ रही समस्या की मांग को लेकर पार्षद हनुमान गोरा को अवगत करवाया गया। इस दौरान युवाओं की मांग पर कार्य करते हुए पार्षद द्वारा स्टेडियम में पानी की टंकी स्थापित की गई। इस मौके पर सावरमल जाकर श्रवण बराला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ खेल प्रेमी जो युवा साथी आते हैं, उन्होंने कि हमारे यहाँ पानी की बहुत व्यवस्था है, पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ गर्ल्स बॉयज़ जो भी आते हैं उनको पानी की समस्या है, उससे मेरे को अवगत कराया। मैं और मेरी पूरी टीम ने मिलकर इसको तुरंत एक्शन लेते हुए हमने पानी की टंकी यहाँ पर बालाजी महाराजा एवं महारानी महाविद्यालय के समीप शराब की दुकान को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने गांधीवादी तरीके से फूल देकर शराब की दुकान को बंद करवाने का आह्वान किया। साथ ही कोमल मोहनपुरिया के नेतृत्व में महारानी महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान महाराजा महाविद्यालय में अध्यापिकाओं सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना VMR भारत TV।